मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दही से हम पनीर किस तरह से बनाएं। जैसा कि हम डेयरी से खरीद कर लाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा। आप देख रहे हैं, मैं पनीर को काट कर दिखा रही हूँ, बहुत ही नरम पनीर बना है। तो इस पनीर को बनाने के लिए हम दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल हलवाई के जैसा ही, डेयरी के जैसा ही ये पनीर बनकर तैयार होगा। इस पनीर को 4 से 5 दिन तक भी आप फ्रीज में रखेंगे तो ये पनीर ख़राब नहीं होगा। तो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिल्कुल नरम मलाईदार पनीर हम किस तरह से तैयार करें। तो इस पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है फुल फैट मिल्क लिया है, 1 लीटर के करीब मैंने इसमें दूध लिया है। और सबसे पहले अब हम दूध को उबलने रखेंगे। गैस चालू कर दिया है, दूध को उबलने रख दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है दही। आप देख सकते हैं, इस दही को मैंने 2-3 घंटे पहले ही बाहर रख दिया था ताकि दही से उसका थोड़ा सा पानी अलग हो जाए। हमें दही का बिल्कुल खट्टा पानी ही चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, दही से इसका खट्टा पानी निकालने के लिए हम दही को हैंग करेंगे, हैंग कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर छलनी के ऊपर पतला कपड़ा ले लिया है, कोई भी कॉटन का बिल्कुल पतला कपड़ा ले लें ताकि दही का जो गाढ़ा हिस्सा है वो इस कपड़े के ऊपर आ जाए और हमें मिल जाए दही का बिल्कुल खट्टा पानी। तो इसके लिए दोस्तों, जब भी दही जमाएं आप तो इस बात का ध्यान रखें कि दही जमने के बाद उसे 2-4 घंटे आप ऐसे ही बाहर रखे रहने दें। उससे क्या होता है, दही का पानी गर्मी बहुत है, दही का पानी बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से कपड़े से निचोड़ निचोड़ कर दही का खट्टा पानी बिल्कुल अलग कर लिया है। और ये जो दही ऊपर है दोस्तों, इससे आप चाहें तो श्रीखंड बना सकते हैं। आप इसमें शक्कर डालें, केसर डालें, इलायची पाउडर डालें और इस हैंग कर्ड से आप कोई भी रेसिपी बनाएं, श्रीखंड तो बहुत अच्छा बनता है। तो बस इस तरह, इधर आप देख सकते हैं दूध में बढ़िया अच्छा उबाल आ गया है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और दूध को हम नीचे उतार लेंगे। कम से कम 2-3 मिनट हम इसे ठंडा होने देते हैं। पूरा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ 10% ही ठंडा करना है। और ये जो दही का पानी है दोस्तों, बिल्कुल खट्टा पानी है। इसे सबसे पहले तो थोड़ा सा मैंने डाइल्यूट कर लिया है और थोड़ा सा 2 चम्मच पानी मिलाया है दोस्तों। और ये जो दूध गर्म है दोस्तों, अभी ठंडा नहीं है। इस दूध में दही के खट्टे खट्टे पानी को हमें धीरे धीरे इस तरह से डालना है। कभी भी एक तरफ आप ना डालें। आप ये ना सोचें कि मैं नींबू से फाड़ रही हूँ, मैं सिट्रिक एसिड से फाड़ रही हूँ, किसी चीज़ से विनेगर से फाड़ रही हूँ। कभी भी एक जगह ना डालें। पूरे बर्तन में आपने देखा, मैंने चम्मच में इस तरह से दही के पानी को लिया है और चारों तरफ से इस चम्मच को घुमाती जा रही हूँ ताकि दूध में ये जो खट्टा पानी है वो चारों तरफ से लगे। इससे क्या होगा दोस्तों, दूध पूरा एक साथ फटेगा। अगर एक जगह डालेंगे तो एक जगह पनीर बनकर इकट्ठा हो जाएगा और बाकी दूध ठीक तरह से फट नहीं पाता है। और वैसे भी इस बात का ध्यान रखें, फुल फैट मिल्क को फटने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने एक नींबू डाला फिर भी दूध नहीं फटा। इसका कारण यही है दोस्तों, जितना अच्छा गाढ़ा दूध होता है, मलाईदार दूध होता है, उसे फटने में टाइम लगता है। तो बस दूध फट गया है, फिर से मैंने छन्नी रख ली है दोस्तों, एक पतला कपड़ा रख लिया है और इस छेने को अब हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं, 1 लीटर दूध लिया था और इतना सारा हमारा भी ये छेना तैयार हुआ है। और अब हम इसे पनीर के रूप में सेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, और जब भी पनीर फटे, दूध फटे, आप उसे ज़ोर ज़ोर से ना हिलाएं चम्मच की सहायता से, नहीं तो पनीर के छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं। हल्के हाथों से ही हिलाएं और ये जो पानी बचा है पनीर बनने के बाद का, इसे ना फेंकें दोस्तों। इस पानी को आप चाहें तो फ्रीज में रख सकते हैं 15 से 20 दिन तक के, और जब भी पनीर बनाना हो बस इसी पानी का आप इस्तेमाल करें। ये पनीर बनाने का साँचा है जिसे मैं बर्तन बाज़ार से ख़रीद कर लाई हूँ, 150 रुपीज़ का ये साँचा है। दोस्तों आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पनीर बनता है, बिल्कुल हलवाई लोग जैसे बनाते हैं ना दोस्तों, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का वैसा, परंतु सबके पास नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ कपड़े की पोटली से ही पनीर बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, पनीर को मैंने इस तरह से कपड़े में बांध दिया है। एक भारी बर्तन से आप इसे दबा दें। तो इसका जो पानी का बर्तन था बहुत भारी है दोस्तों, उसी से मैंने इसे दबा दिया है। कम से कम 20-25 मिनट आप किसी भारी वजन की चीज़ से इसे दबा रहने दें ताकि पनीर अच्छा बढ़िया बन जाए। कपड़े की जो पोटली थी, अब इसे हम खोल कर देखते हैं कि किस तरह से हमारा पनीर बना है। ये देखिए दोस्तों, वाह कितना बढ़िया पनीर बना है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल
मलाईदार हमारा पनीर बना, घर पर हमने बहुत ही शुद्ध तरीके से पनीर बनाया है। बाज़ार में तो कई बार मिलावट की चीज़ें रहती हैं दोस्तों, आरारोट कॉर्नफ्लोर मिक्स किया जाता है दूध में ताकि पनीर अच्छा बने। तो जैसे ही पनीर बने आप तुरंत ही उसे फिर ठंडे पानी में रख दें, इससे पनीर जो होता है और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे पनीर के इतने बड़े टुकड़े को पानी में, बर्फ़ के ठंडे पानी में या फ्रीज का ठंडा पानी ले सकते हैं, उसमें डाल दिया। 10 मिनट तक के ऐसे ही इसे पड़े रहने दें, उसके बाद ही आप कटिंग करें ताकि पनीर अच्छी तरह से सेट हो जाए। गर्मी का दिन है दोस्तों, नहीं तो पनीर बिखरा बिखरा सा बनता है, इसलिए मैंने यहाँ इसे ठंडे पानी में डाला है। देखिए आप मेरे चाकू से काटने के अंदाज से समझ गए होंगे कि इतना नरम पनीर बना है, और इस पनीर से आप कोई भी रेसिपी बनाएं दोस्तों, सबको बड़ा मज़ा आएगा इस पनीर से बनी हुई रेसिपी को खाने में। तो दोस्तों देखा ना, पनीर अगर हम दूध को फाड़ते सही तरीके से हैं तो ही पनीर अच्छा बनता है, नहीं तो आप देखिएगा पनीर दानेदार बिखरा बिखरा पनीर बनता है। इसका कारण यही है कि दूध को हम गलत ढंग से फाड़ते हैं। आप एक बार मेरे तरीके से दूध से इस तरह से पनीर बनाकर देखें, यकीन मानिए दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल मलाईदार पनीर, कितना सॉफ्ट, आप कह सकते हैं ये घर पर बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जब पनीर की रेसिपी ट्राई की तो पनीर कैसा बना। ये देखें चाकू से कट करके आपको एक एक पीस दिखाती जा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट मलाईदार पनीर बनकर तैयार है। शायद डेयरी में जो मिलता है ना दोस्तों, उससे भी अच्छा पनीर बना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें दोस्तों पनीर बनाते समय, तो आपके यहाँ भी पनीर बिल्कुल बाज़ार के जैसा ही पनीर बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।